नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा है कि हमने इस रूम को वॉलपेपर के साथ रेडी किया है और अब हम आपको इस रूम का फ्लोरिंग का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। सबसे पहले हमने इस रूम को पूरा क्लीन करवाया है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वॉलपेपर के नीचे ना आए और वॉलपेपर जो है वो ख़राब ना हो। तो चलिए अब इस रूम की फ्लोरिंग का पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारी वॉलपेपर वाली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये वॉलपेपर है जो हम नीचे अभी फ्लोर पे लगाएंगे, ठीक है। ये वॉलपेपर भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा 10x10 का जो रूम है उसमें अप्रॉक्सीमेट 4 से 4.5 वॉलपेपर लगेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने 5 ऑर्डर कर दिए थे। ये भी सेम वॉलपेपर वैसे ही है, इसके नीचे भी गम लगी हुई है, हमको जस्ट ये पेपर निकाल के और बस इसको चिपकाना ही है, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। अभी जैसे आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ से नीचे ऐसे मुँह उतार रहा हूँ, ये पेपर ऐसे यहाँ से नीचे उतर जाएगा। अभी देखिए जैसे हमने इसको यहाँ से उतार दिया है पूरा पूरा, देखिए जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं भी कहाँ से सीधा है या कहीं से गलत तो नहीं है, हो गया। थोड़ा अपने वालों जैसे यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा वॉलपेपर नीचे से खींच के रखेंगे और जैसे ये वॉलपेपर खींच देंगे हम भी इसको ऐसे ऐसे रब करते हुए पेस्ट करते चले जाएंगे और ये पेस्ट पूरा उतर जाएगा। देखिए अगर आप देख सकते हो तो वॉलपेपर कितना अच्छे से लग गया है और इसकी गम भी बहुत अच्छी है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और इसका ये कलर है वो भी जल्दी से नहीं जाएगा। मैंने अपने नीचे वाले रूम में जो मेरा बेडरूम है मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है, आपको वीडियो के एंड में भी इसकी अपने रूम की पिक्चर्स भी दिखा दूँगा। चाहे तो ऐसे हाथ मारने की बजाय यहाँ पे भी कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पूरे का पूरा वॉलपेपर जैसे ऐसे ही लग रहा है हमको और कुछ भी कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए अपने आप ही लगा जा रहा है। इसलिए अब इसी प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि हमने अपना हाफ रूम कंप्लीट कर लिया है, आपको दिख रहा होगा कि इस ब्राउन वाली साइड पे कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा जो लेटेस्ट डिजाइन या कुछ मॉडर्न कह सकते हैं आप तो वैसा लग रहा है और उधर साइड वो नॉर्मल है। तो चलिए अभी इसका जो पूरा प्रोसेस है हम वो पूरा कम्प्लीट करके फिर आपको फाइनल।
Hey guys, I hope so आपको हमारा ये नया कंसेप्ट वॉलपेपर का जो था वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक यू।